जयपुर में लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। पुलिस ने अब तक जयपुर में 6000 से ज्यादा ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है जो नियमों का उल्लंघन कर बेवजह घरों से बाहर निकल रहे थे। खास बात यह है कि जयपुर की यातायात पुलिस ने सख्ती के साथ साथ एक अनूठी पहल भी शुरू की। इसके तहत लोगों के लिए इमरजेंसी सेवाओं के लिए ओला और उबर की 50 टैक्सी संचालित की गई है। अब इन टैक्सियों के जरिए इमरजेंसी सेवाओं के तहत लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में भेजा जा रहा है। और इसी बीच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक राहुल प्रकाश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। बढ़ता कोरोना वायरस राज्य सरकार के लिए बेहद चिंता का सबब बना हुआ है, मगर अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस पर प्रकोप जो भी फैल रहा है कोरोना वायरस का, इस पर लगाम कसने के लिए सरकार की जो तमाम मशीनरियां हैं वो जोर शोर से काम कर रही है। यातायात पुलिस भी उनमें से एक है। तमाम राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर के जो यातायात पुलिस है वो लगातार इस कोरोना वायरस के जो बढ़ता संक्रमण है उस पर लगातार लगाम कसने के लिए जो प्रयास कर रही है उसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर राहुल प्रकाश जी हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह की जो मुहिम है बेसिकली छेड़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा समस्या ये आई है कि लोग एक जगह रह गए, इमरजेंसी की जो सेवा है वो कहीं ना कहीं चालू कर रखी है, किसी को दूर जाना है दूसरे शहरों में जाना है, तो किस तरह की आप लोगों ने यहाँ से स्कीम शुरू की है, किस तरह का सिस्टम है वो चालू किया? प्राथमिकता जो है वो तो यही है कि लोग अपने घरों में रहें, और जैसा कि राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको बार बार स्पष्ट किया कि कोरोना की जो जंग है वो घर के अंदर रह करके हमें लड़नी है, न कि बाहर निकल करके। जो लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए सरकार ने परमिशन दे रखी है, उसके संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए जा चुके हैं, उसके संबंध में ब्रीफिंग की गई है अपने सभी जाब्ते को। इसके साथ ही हमारे जो उच्चाधिकारी है उनको कमिश्नर साहब ने पाबंद किया है कि दो दो घंटे खुद नाके पे खड़े रहें, जिससे कि हमारे जो फोर्स के लोग नाकेबंदी का काम कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हो जाए, कोई अनचाहे में असंवेदनशील ऐसा कृत्य नहीं हो जाए जिससे कि कोई आहत हो, और उसके साथ साथ ही आवश्यक सेवाएँ भी सुचारू रूप से चलती रहें। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई घर में कोई बहुत गंभीर बात हो जाए, या जिनको इंटरनेशनल फ्लाइट की परमिशन मिल रही है, वैसे लोगों के लिए हमने अपने यहाँ से ओला और उबेर की टैक्सीज 10-10 रिजर्व कराई है, और जो लोग इस तरह की मांग करते हैं उनका वेरिफिकेशन करा के परमिट के साथ उनको गाड़ियाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। सर, कितने अब तक ऐसी परमिशंस आई है बेसिकली जिनको आपने यहाँ से दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में भेजा गया है, और ऐसी कौन सी इमरजेंसी आई है ऐसे लोगों के लिए थोड़ा जानना चाहिए? जो ज़्यादातर मामले आए हैं उसमें स्वास्थ्य को लेकर के इशू था कि किसी के यहाँ पे फादर रह रहे हैं और वाइफ और बच्चे कहीं और, बच्चे किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दूसरे तरह के प्रकरण आए थे इसमें कि प्रेग्नेंट महिलाओं के थे, जो महिलाएं कहीं और रह रही हैं, परिवार कहीं और है, और उनका 8 या 9 महीने के आसपास पूरा हो रहा है, मेडिकल इमरजेंसी होने की संभावना है, उस तरह के मामले आए थे। कुछ मामलों में किन्हीं के बड़े नज़दीक किसी के फादर की डेथ हो गई थी, या मदर की डेथ हो गई थी, या भाई की डेथ हो गई थी, उस तरह के मामले आए थे। और कुछ मामले ऐसे थे जिसमें कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के तौर पे दूसरी देश के लोग वहाँ से फ्लाइट्स भेज रहे थे रेस्क्यू करके ले जाने के लिए यहाँ के नागरिकों को, तो इन 4-5 कैटेगरी के लोगों को हमने परमिशन जारी की थी। और ऐसी कुल परमिशन जो कि इन कैटेगरीज में आती हूँ मेरे ख्याल से पिछले 15 दिन के अंदर 30 से 35 के आसपास जारी की गई है। सख्ती भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है माना जाता है, क्योंकि लॉकडाउन की पालना कराना और उसके बाद धारा 144 का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, आदेश भी आए हैं सरकार की तरफ से सख्ती से पालना कराई जाए, तो उसके लिए कितनी अब तक कार्रवाइयाँ हुई हैं? सख्ती का मैसेज पूरे कमिश्नरेट में है, 149 ट्रैफिक के नाके हैं, उसके साथ में प्रत्येक थाना क्षेत्र में नाके लगे हुए हैं, और जो भी वाहन बिना परमिट के पास के अनऑथराइज रूप से हमें सड़क पर मिल रहा है, या जिनको हमने निश्चित समय का पास दिया और दूसरे समय में घूमता हुआ मिल रहा है, निश्चित रूट का पास दिया है दूसरे रूट पे मिल रहा है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके वाहन जब्त हो रहे हैं। और उसमें सबसे गंभीर बात यह है कि चूंकि ज़्यादातर कार्यालय बंद हैं, न्यायालय भी बड़े सीमित अवधि तक काम कर रहे हैं, तो उनके वाहन छूट भी नहीं पा रहे हैं। कितनी वाहन जब्त हो चुके हैं सर अब तक? लगभग 6000 से ज़्यादा ये आंकड़ा हो गया है हमारा। गिरफ्तारियाँ या कुछ कितने लोगों के? नहीं, इसके अंदर गिरफ्तारियाँ तो नहीं हुई है, वाहनों की सीजर हुई है जो कि लगभग 6000 से ज़्यादा है। तो बिल्कुल
बिल्कुल ये थे राहुल प्रकाश जी बता रहे थे कि 6000 से ज्यादा जो वाहन है जो अनाधिकृत रूप से जो लॉकडाउन के दौरान बाहर निकल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर आपको इस कोरोना से बचाव करना है तो कहीं ना कहीं आपको घरों के अंदर रहना होगा ताकि ये जो संक्रमण है उसकी चपेट में आप लोग ना आ जाएं। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादव शर्मा, इवन टीवी न्यूज जयपुर।